बताएं हमारे कितने प्राइमरी स्कूल्स क्यों बंद हैं, हमारे बच्चे आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? बच्चे स्पीकर साहब इसलिए आगे नहीं जा रहे, कॉलेज में इसलिए नहीं जा रहे, सेकेंडरी स्कूल्स में इसलिए नहीं जा रहे कि उनके वालदैन वो बच्चे खुद देख लेते हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इतना खराब है कि बच्चे ने आगे कहां पर जाना है। कोई एक सेक्टर बता दें जिसमें सूबा सिंध आगे जा रहा है, कोई एक चीज बता दें, एक कारोबार लगा हुआ, एक दुकान लगी हुई है। स्पीकर साहब जब मैं आपसे कहता हूं ना कि वो जो मंडी लगी हुई है अब लाहौर के अंदर, वहां पे यहां से उठ उठ के लोग जा रहे हैं, फिर वहां पे जमीन फरोशों की खरीदारी होगी, पंजाब हुकूमत गिराने के लिए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री का पैसा खर्च किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा, एक्साइज मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है इस्लामाबाद में सिंध हाउस में जो बाजार लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज रिजीम चेंज के बाद जो मेरा मुल्क पीछे जा रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज लाहौर के अंदर आपकी क़यादत बैठी हुई है पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए, फिर पैसा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का। एजुकेशन पे आ जाए, एजुकेशन के बारे में एजुकेशन के बारे में बताएं आप कि हमारा एजुकेशन जो आज निजाम इतना पीछे गया है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री एक्सपेंड करेंगे, आज एजुकेशन के अगेंस्ट बातें हो रही है, जो हमारे कॉलेज हैं अगर आज उसका मेयार नीचे जा रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस सूबे को तबाह करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस निजाम को खराब करने वाली। आज पाकिस्तान अगर बर्बादी की तरफ जा रहा है, आज हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे हैं, आज हमारी इकोनॉमी खराब है, स्टॉक एक्सचेंज पर ताले लग गए, उसके जिम्मेदार आप हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सारी किताबें कह रही हैं। अब आप खुश हो गए, आपके दिलों को ठंडक पड़ गई, मुल्क को बर्बाद करके मेरा पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आप जाए वहां पे, आपके जरदारी साहब बैठे हैं दुकान लगाए, कारोबार कर रहे हैं वहां पे, मुल्क को पीछे खुशियां को लगाम दे, बात हमें भी करने आती है, हमारा बात हमें भी करने आती है। बात करें तो एजुकेशन पर करें, ये ज्यादा बकवास नहीं करें इधर खड़ा होकर। ये समझ रहा क्या है अपने आप को? गलत मुल्क को बर्बाद करके रख दिया पीटीआई वालों ने, चोरी तबाही करके मेरी कौन सी चीज छोड़ी है मेरे मुल्क को? इतना पीछे पिछले 3.5 साल में जो पीटीआई ने तबाही की है, खुदा की किताब में इन लोगों ने जो तबाही की है। जी सैयद सरदार अहमद शाह साहब, आप जाए पहले अपने इस्तीफे जमा कराएं, जाए लीडर की बात माने, चले लीडर की। वो अच्छा मुकर्रर है, शेर है सर, शेर पढ़ रहा हूं। सर वो सीबीआई की यू टर्न की आदत कभी जाएगी नहीं सर, चले भाई, चले। बस भागने की आदत जाएगी नहीं, भगोड़े कहीं के चलो।